हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द शो, डॉक्टर मीनू शो। आज हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के बारे में। तो हम अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रूट कनाल, इन्फेक्शन, कैविटी, इम्प्लांट, ये सब भी हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं या कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में आज बुलाया है एक जाने माने डेंटिस्ट को, जो कि एक इम्प्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर नेहा गुप्ता। तो चलिए मिलते हैं उनसे। वेलकम टू द शो डॉक्टर नेहा। थैंक यू डॉक्टर मीनू। डॉक्टर नेहा, जैसे मैं अभी अपने व्यूअर्स को बता रही थी, बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है डेंटिस्ट्री में। वैसे तो सबसे पुराना सब्जेक्ट है, हर किसी को पता है, दांत का दर्द मतलब डेंटिस्ट। तो मैं चाहूँगी कुछ जो नई नई टेक्निक्स आप मेरे से अभी शेयर कर रहे थे, दैट इज़ द रीज़न मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स आपसे मिलें और बहुत सारी अवेयरनेस उनको भी हो। तो मैं चाहूँगी आप खुद ही कुछ बताएं। बिल्कुल डॉक्टर मीनू जी। तो मीनू जी, ऐसा होता है, सबसे पहले कोई भी इंसान डेंटिस्ट के पास कब जाता है? जब उसके दांत में दर्द होता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या किया जाता है? रूट कनाल किया जाता है या फिलिंग किया जाता है। तो एक आम धारणा है कि आप गए डेंटिस्ट के पास, रूट कनाल शुरू कर दिया गया, पर वहाँ पे कई बार आम लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसी क्या और लिंक है जो उनको एक बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को पता चले, आम जनता को पता चले कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रबर डैम। तो जिस तरह से कोई भी सर्जरी होती है और वहाँ पे ग्रीन शीट लगाकर उस जगह को आइसोलेट किया जाता है ताकि शरीर का बाकी अंग प्रोटेक्टेड रहे, इसी तरह से दांतों में भी एक ग्रीन शीट लगाकर दांत के को आइसोलेट किया जाता है जिस दांत पे हम काम कर रहे हैं, ताकि मुंह के और जो अंग हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। हाँ जी। तो हमारे मुँह में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जबान है, टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है। तो कुछ भी प्रोसीजर करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स शार्प होते हैं, कहीं पे चोट लग सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है, पहले देखा जाता था, न्यूज़पेपर में आता था, छोटा बच्चा है, गलती से इंस्ट्रूमेंट सोलो कर गया। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम एक ग्रीन शीट लगाते हैं जिसको हम रबर डैम कहते हैं, जो मुँह में लगाया जाता है। अब ये प्रक्रिया आप रूट कनाल करते हुए लगा सकते हैं, ये प्रक्रिया का उपयोग आप फिलिंग करते हुए लगा सकते हैं, कैविटी की फिलिंग करनी है उसमें लगा सकते हैं, और ऐसे और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम रबर डैम लगा के हम पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उससे डेंटिस्ट भी खुश रहता है क्योंकि पेशेंट मुंह ज़्यादा देर खोल पाता है। मेरे पेशेंट्स तो मोस्टली सो जाते हैं रबर डैम लगा के। तो आप सोने के, ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं कहती हूँ, मेरे पेशेंट कहते हैं कि मेरे को तो नींद आ गई, मेरे सो जाओ, आपका मुँह तो खुला ही रहेगा क्योंकि रबर डैम लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, ओके, ऐसा रहता है। डॉक्टर नेहा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में और बात करेंगे, रबर डैम जी। ओके, पर इससे पहले जान लेते हैं आपके बारे में भी कुछ। जी, आप डेंटिस्ट्री में कब से हैं? तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है 2008 में। मैं 16 साल हो गए मुझे डेंटल प्रैक्टिस करते हुए। और जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसी के बाद से अब हम इम्प्लांट्स भी मैं कर रही हूँ। 16 साल से ही जनरल डेंटिस्ट्री और इम्प्लांटोलॉजी दोनों कर रहे हैं हम। ओके, तो डॉक्टर नेहा, 16 सालों में क्या देखा आपने, कितने चेंजेस आ चुके हैं डेंटिस्ट्री में? तो मैंने हर तरह की प्रैक्टिस में काम किया है। मैंने सरकारी अस्पताल में काम किया है, छोटे डॉक्टरों के साथ काम किया है, बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस में भी काम किया है। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं ऑनेस्टली। पहले जो काम नेकेड आई से होता है, मतलब हम अपनी आँखों से देखते हैं और वो काम हो जाता है, अभी पिछले 5 से 7 सालों से हम मैग्नीफिकेशन का उपयोग करते हैं। दांत कितना छोटा होता है ना, दांत के अंदर कैविटी और भी छोटी होती है। Correct. उसके अंदर जो दांत की नस है जिसका हम इलाज रूट कनाल से करते हैं, वो और भी बारीक होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना कोई मैग्नीफिकेशन यूज़ करे हम अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं? तो हम अपनी प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं मैग्नीफिकेशन लूप्स का। मैग्नीफिकेशन लूप्स आर नथिंग बट जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो हम अपनी आँखों पर उस तरह के चश्मे, एक दूरबीन जैसा इंस्ट्रूमेंट पहन लेते हैं, उसमें एक इल्यूमिनेशन लाइट भी होती है, वो लाइट भी देता है और फोकस भी देता है और दांत को एनलार्ज भी कर देता है। तो जब हम अपना काम कर रहे हैं वो और बारीकी से कर पाते हैं और बेटर कर पाते हैं। आजकल इसी वजह से हम फिलिंग्स, रेस्टोरेशंस इतनी अच्छी कर पाते हैं, वो बिल्कुल दांत के जैसे लगती हैं जैसे सामने का दांत है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ ऐसे केसेस जिसमें आप बता नहीं पाएंगे कि किस दांत पे फिलिंग है। ओके. या फिर मैं आपको ऐसे केसेस दिखा सकती हूँ जिसमें मैंने एक ही सिटिंग में पूरा रूट कैनाल सेशन कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ रबर डैम ऑफ कोर्स एंड माय मैग्नीफिकेशन टू।
एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, रोटरी एंडोडोंटिक्स. रोटरी एंडोडोंटिक्स कुछ और नहीं है, आप देखते होंगे कि हाथों से फाइल घुमा घुमा के रूट कनाल की जाती है. अब हम मशीनी तरीके से फाइल से रूट कनाल साफ करते हैं, तो उससे अगेन टाइम बहुत बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है जी. तो इसी तरह की एडवांसेस आई हैं. ओके, तो मैम इसका कुछ तरीका होता है, हाउ डज द पेशेंट नो? जैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी, वो तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सजेस्ट किया रूट कैनाल करना है, तो वो क्या आपने डॉक्टर को ये पूछे या उन्हें डॉक्टर से कैसे बात करनी चाहिए, हाउ डू दे कम टू नो कि यहाँ पे रबर डैम यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा? जी देखिए मीनू जी, मेरा मानना है कि जब भी एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट कंसल्टेशन पे कर रहा है, पेशेंट को हर तरह के हर सवाल पूछने का पूरा हक है. जी, तो अगर आपको पता है कि इस तरह की तकनीक उपयोग होती है, तो आपको हक है ये जानने का, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं. तो या तो डॉक्टर के पास ऑप्शन होगी या नहीं होगी. अगर डॉक्टर के पास ऑप्शन है तो वो उस टेक्निक को अवेलेबल करवाएंगे. करेक्ट, ठीक है, ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो आपको वो टेक्निक से आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे. अगर अवेलेबल नहीं है उसके पास, तो वो आपको हो सकता है कुछ दिन का टाइम ले, कुछ भी. तो इतना लीवे हम डॉक्टर को दे सकते हैं कि हाँ जी आप ये तकनीक मुहैया कराइए, हमें इसी तरीके से काम कराना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये तरीके का काम बेहतर है. जी डॉक्टर नेहा, एक बहुत कॉमन मिथ है जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगी. लोग समझते हैं कि अगर हमने डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग कराई या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जिसमें जिसको हम कंसिडर करते हैं दांतों को और वाइटनिंग या किसी भी और प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है डॉक्टर मीनू. एक अगेन मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगी. आप कितनी सफाई कर लें, क्या दिवाली के दिन जब आप सफाई करते हैं तो घर में से कूड़ा नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है. तो जब आप कितना ही ब्रश कर लें, पर फिर भी अगर आप 6 से 8 महीने के बीच में स्केलिंग नहीं कराएंगे, तो आपके दांत फर्दर कमज़ोर होंगे. स्केलिंग कराने से दांत कमज़ोर नहीं होते, स्केलिंग ना कराने से कमज़ोर होते हैं. तो इसलिए कहते हैं कि हर 6 महीने में चेकअप कराएं. उससे 2-3 फायदे हैं. छोटी मोटी कोई कैविटी है जिसमें कल को बड़ी होने के चांसेस हैं, वो डिटेक्ट हो जाएगी. अर्ली डिटेक्शन मींस कि कम खर्चा भी और कम दर्द भी. करेक्ट, है ना. और सफाई रहेगी तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप यू स्माइल बेटर. एक इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये दोनों ही उसके फायदे हैं. डॉक्टर नेहा, आजकल इम्प्लांट्स लोग काफ़ी करा रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी. और कुछ लोग तो अब इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पहले तो लोगों को डर लगता था, अब लोग करवा भी लेते हैं. बट स्टिल क्या आगे के दांत हैं, या कई बार ऐसा होता है 2 दांतों के बीच में इतना कम स्पेस है कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं इम्प्लांट नहीं लगेगा? हाँ, तो क्या ऐसे केसेस में भी इम्प्लांट्स पॉसिबल होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर मीनू, मैं इस बारे में बात करना भी चाहूँगी क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है और मैं 16 साल से इम्प्लांट्स कर रही हूँ. जब हमने इम्प्लांट स्टार्ट किए थे, उस समय बहुत सारे टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती थी. बट जैसे जैसे एडवांसेस आए हैं, हम ज़्यादा तरह की आपको फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं. जैसे अभी आपने बताया सामने का दांत है. सामने के दांत में पहली चीज़ आती है, पेशेंट आके ये बोलते हैं कि जी कल मेरी मीटिंग है, आज आप इम्प्लांट कर दोगे, मैं कल मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इम्प्लांट करते हैं, हम इमीजिएट टेम्प्रेरी क्राउन लगा देते हैं, टेम्प्रेरी दांत दे देते हैं. तो आप नेक्स्ट डे जाइए, मीटिंग अटेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका आगे का दांत इम्प्लांट है. और अगर हमारे पास टाइम है, जैसे पीछे का दांत है, तो वो 2 से 3 महीने में परमानेंट क्राउन लग जाता है. दूसरा एडवांसेस ये आया है कि जिस तरह की तकनीकी, जिस तरह की हमारे पास ड्रिल्स आई हैं, ड्रिल्स जिस तरह की मशीनें आई हैं, हम बोन की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. आप मानेंगे ये नहीं बात कि अगर पेशेंट हमारे पास बुरी क्वालिटी की बोन लेके आ रहा है, तो उसको मैं अच्छी क्वालिटी की बना सकती हूँ, मतलब हमारी बोन को बेटर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो दिस इज द टेक्निक वी आर यूजिंग. सो वी आर यूजिंग, हम दांत ऑस्टियोडेंसिफिकेशन कहते हैं उसको. तो अगर बोन बहुत पोरस है, सॉफ्ट है, मैं उसको हार्ड बना सकती हूँ बाय यूजिंग द करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स लाइक कंडेंसिंग अ स्पॉन्ज. लाइक आपके पास स्पॉन्ज है, बहुत भुरभुरा है, ठीक है, आप उसके अंदर कुछ भी डालेंगे वो बाउंस बैक कर जाएगा. पर अगर मैं स्पॉन्ज को टाइट कर दूँ, तो मैं उसके अंदर इम्प्लांट डालूंगी, तो वो वहाँ स्टे करेगा और वो फिर इम्प्लांट हमेशा के लिए स्टे करेगा वहाँ, क्योंकि इम्प्लांट इज नथिंग बट अ टाइटेनियम स्क्रू. जैसे हड्डी टूटती है, टाइटेनियम की प्लेट लगती है, तो एक बार वो जब हड्डी के साथ चिपक जाता है, तो वो चिपक जाता है, वो नहीं हटता फिर. तो अगर मैं हड्डी को मॉडिफाई कर सकती हूँ, हड्डी को टाइट बना सकती हूँ, वहाँ पे इम्प्लांट टिका सकती हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल है.
इसी तरह से हम यूज़ करते हैं PRF. PRF इज़ आपकी ब्लड कॉन्सेंट्रेट को हम अपनी बोन प्रोडक्ट में मिलाकर आपको गुड क्वालिटी बोन दे सकते हैं जो बॉडी से रिजेक्ट नहीं होती. तो इस वजह से आप कई तरह से इम्प्लांट्स को लॉन्ग टर्म स्टेबल बना सकते हैं और डेफिनेटली आउटपुट उसका बढ़ा सकते हैं. ओके डॉक्टर नेहा, इंडियन मेंटालिटी जो है डॉक्टर के पास जाना सबसे लास्ट में रखते हैं जी, और खासकर दांत की जैसे बात होती है तो दर्द हुआ तो हम होम रेमेडीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लौंग का तेल लगा लिया या कुछ भी होम रेमेडीज़ में. तो कब हमें पता चलता है कि एक्चुअली दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड वी हैव टू गो टू द डेंटिस्ट? जी जी, तो मीनू जी, ये तो एक हमारे देश की विडंबना है कि आई थिंक डेंटिस्ट के पास जाने से सब सबसे ज़्यादा डरते हैं. तो ये मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि दो तीन साइंस होते हैं. जैसे सबसे पहले कभी भी कैविटी होती है तो ठंडा या मीठा लगना शुरू होता है. तो जब तक ठंडा मीठा लग रहा है तब तक अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी अगले हफ्ते जाऊँगा, आप दो चार दिन उसको टाल सकते हैं. पर जैसे ही आपको लगने लगता है कि अब चाय दूध गर्म लगना शुरू हो गया तो दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका दांत जो कैविटी फिलिंग से हो जाता ठीक, अब उसमें रूट कनाल की ज़रूरत पड़ेगी अगर गर्म लग रहा है. बिल्कुल. तो अगर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप सोचेंगे जी मेरा तो खर्चा आएगा. आप सोचो कि कैविटी फिलिंग के में ज़्यादा खर्चा आएगा या रूट कनाल करने में ज़्यादा खर्चा आएगा. रूट कनाल कराओगे फिर उसके ऊपर कैप लगवाओगे फिर डबल खर्चा आ जाएगा. सो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइम से डेंटिस्ट के पास जाएं. इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो आपके पॉकेट फ्रेंडली भी है जी. ठीक है. और ऐसे ही जब सफाई कराने की बात आती है तो देखिए घर की होम रेमेडीज़ आर नॉट बैड. इवन आई बिलीव इन होम रेमेडीज़ आर नॉट बैड बट दे आर नॉट दी ओनली सोल्यूशन. वो एक अकेला उपाय नहीं है. गुनगुने पानी के नमक के कुल्ले करना बहुत अच्छी होम रेमेडी है. ठीक है, हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं. मसाज करना बहुत अच्छी रेमेडी है. आप घर पे मसूड़ों की मसाज करिए बहुत रेडली. बट ये दोनों ही चीज़ें 6 महीने में क्लीनिंग को नहीं अवॉइड कर सकती. करेक्ट. ठीक है, आप 6 महीने स्केलिंग कराइए फिर अपनी होम रेमेडीज़ फॉलो करिए. तो दोनों चीज़ें दे हैव टू वर्क इन टुगेदर. दे हैव टू वर्क एज अ टीम टू गिव यू अ गुड ओरल हेल्थ. एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर हमें ठंडा और मीठा दांत में लगता है इट मीन्स कैविटी है, फिलिंग होगी. और अगर वहीं हमें गर्म दूध या चाय कुछ भी गर्म ड्रिंक्स अगर हमें लगने शुरू हो जाए दांत में दैट मीन्स रूट कैनाल होगा. हाँ, मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रूट कैनाल की तरफ जाने लगा है. ऑब्वियसली उसके बाद कई चीज़ें होती हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट होते हैं जो कंडक्ट करने होते हैं. बिल्कुल डॉक्टर नेहा, किसी भी डेंटल प्रॉब्लम को सिम्टम को कब तक हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और अगर करते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो मैं एक शब्द में इसका आंसर दूंगी, किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम दांतों के रोग को आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी अटेंडेड इमिजिएटली. अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करोगे डिले करोगे तो आप ही का नुकसान होगा. देखो आपके मुंह से बदबू आने लगी है, स्मेल आने लगी है, इसका मतलब आपकी स्केलिंग का टाइम हो गया है. आप नहीं करोगे मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, धीरे धीरे दांत हिलने लग जाएंगे, नुकसान आपका ही है. कैविटी हो गई है, आप उसको छोड़ रहे हो, आप उसको नई फिलिंग करा रहे, वो कैविटी बढ़ती ही जाएगी. कैविटी क्या है? कैविटी इज़ नथिंग बट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कोई भी तरह का बैक्टीरिया है और मुंह के अंदर आप मानेंगे 700 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर देयर इन योर माउथ. इट इज़ मोर देन अ टॉयलेट सीट. तो एक बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा और कैविटी का साइज बढ़ेगा ही, वो कभी कम नहीं होगा अपने आप. तो आप उसको टाइमली भरवाएंगे तो आप रूट कैनाल से बच सकते हैं, छोटी कैविटी भरवा सकते हैं. तो इसके इल इफ़ेक्ट्स, अब दांत मिसिंग है फॉर एग्जांपल, जैसे हम इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, किसी का आपका कोई दांत निकाला गया है, टूट गया है, तो उसको उसी समय जितना जल्दी लगवाएंगे उतना हड्डी की बेहतर क्वालिटी मिलेगी क्योंकि हड्डी में इम्प्लांट जाना है. अगर हड्डी की क्वालिटी बेटर होगी तो अगेन आपका खर्चा भी कम होगा, जो ग्राफ्ट प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे. और दूसरा, आपको खाने के लिए चबाने के लिए दांत है जो अगेन आप ही के काम आएगा. दंत चिकित्सा से हमारे शरीर के कई और रोग भी बच सकते हैं. जैसे हार्ट रोग होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, या किसी के वॉल्व होते हैं, वॉल्व के अंदर इन्फेक्शन आता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन उसका रीज़न है वो ओरल इन्फेक्शन है. यही डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ और डेंटल हेल्थ का बहुत क्लोज रिलेशन है. तो ये इसी तरह, इसी वजह से एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंटल प्रॉब्लम
helps you for your overall well-being as well. जी, thank you so much, Dr. Neha. It was really wonderful. बहुत अच्छी information आपने मेरे viewers के लिए दी. दोस्तों जुड़े रहिए. जाने से पहले डॉक्टर नेहा के नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन्हें आप नोट करिए. डॉक्टर नेहा से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं. एक और गेस्ट से जल्दी मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक दोस्तों. दोस्तों अगर आप एक डॉक्टर हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपना फेम बढ़ाना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो वैसे तो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, पर हम डॉक्टर्स के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता. तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपना बिजनेस बेटर कर सकते हैं. वेलकम टू द शो डॉक्टर कौशल. हेलो, सभी का अभिवादन करना चाहता हूँ और सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ डॉक्टर मीनू जी का, जिन्होंने मेरे को इस शो के लिए इनवाइट किया. थैंक यू डॉक्टर कौशल. सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं. बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ. ये सफ़र मैंने शुरू किया था चंद लोगों के साथ, कभी कारवा बन गया, मुझे पता नहीं चला. एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, लेकिन मैंने देखा बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर था. डॉक्टर्स जिनके पास स्किल्स थे वो अपने पेशेंट्स को कन्वे नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से ये थेरेपियों को उनके बेटरमेंट के लिए वो सर्व कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं. और कहीं ना कहीं इस बीच में ये पेशेंट्स या क्लाइंट परेशान होकर किसी ऐसी जगह पर जैसे कि सैलून, मैं सैलून में जाने को बुरा नहीं बोलता, लेकिन कुछ ऐसी थेरेपी जिसके लिए वो रिकमेंडेड ही नहीं है उनको वहाँ नहीं करानी चाहिए, वहाँ जाके कराते हैं और उसके बाद उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं. स्किन के ऊपर रेडनेस, एलर्जी, पिंपल्स, एक्ने, हेयर फॉल, तमाम सारी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ता है. तो मैं ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट जो स्किन से रिलेटेड है, आपके फेस के अपीयरेंस से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, आपको एक क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए. तब ये मैंने सोचा कि इस नॉलेज को मुझे और लोगों तक स्प्रेड करना है, औरों तक बताना है, सभी डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके एक जनरलाइज मैसेज देना है कि हम इस कम्युनिटी को, इस नेशन को सर्व कर सकें, इसकी बेहतरी के लिए काम कर सकें. उसके बाद इस एकेडमी फील्ड के अंदर मैं इंटर हुआ और सफ़र शुरू हुआ था 4-5 डॉक्टरों से. आज अभी तक मोर देन 12,000 डॉक्टर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट. आज भी कई लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती कि इन कोर्सेज को करने के लिए उन्हें कहाँ जाना है. जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर मैं हेड इंचार्ज हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, वहाँ जाके इन कोर्सेज को कर सकते हैं. जैसे कि मालवांचल यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर के अंदर सिचुएटेड है, एलएन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पर जाके ये लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं. कोर्सेज के जनरली जो नाम है MSc इन फेशियल एस्थेटिक या MSc इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी कोर्सेज में वो अपनों को एनरोल करा के एडमिशन लेके इस नॉलेज को सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस नेशन को सर्व कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं. डॉक्टर कौशल, अभी आपने सैलून्स का जिक्र किया जी, तो मैं अपने शो में भी काफ़ी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से इंटरव्यू उनके कर चुकी हूँ और वैसे भी लोगों से अपने फ्रेटर्निटी में मिलकर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग है कि लोग ज़्यादा सैलून्स पे जाके ट्रस्ट करते हैं और कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सैलून्स में बिल्कुल करने ही नहीं चाहिए बिकॉज दे आर नॉट द राइट प्लेस, और वो भी वहाँ पर किए जाते हैं बट पीपल स्टिल गो देयर. तो कहाँ कमी दिखती है आपको? जैसा कि मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि अवेयरनेस की कमी होने के कारण और डॉक्टर का एक फियर, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ज़्यादा चार्ज लगेगा, एक ये फियर उनके मन को हिट करता है और कहीं ना कहीं उन्हें वो एक सैलून की तरफ लेकर चला जाता है.
लेकिन होता इसका उल्टा है जी। डॉक्टर के यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट अगर वो होगा प्रॉपर साइंस की तरह किसी थेरेपी के थ्रू होगा, साथ ही साथ में हाइजीनिक मैनर में होगा, स्टेरिलिटी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, स्किल्ड पर्सन के थ्रू होगा जी। लेकिन सैलून के अंदर तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाता और डॉक्टर उतना ही चार्ज करते हैं जितना जितना वो थेरेपी का एक्चुअल कॉस्ट है जी। बट सैलूनों के अंदर मैंने जो देखा है, कई बार मैंने कई सैलून्स को विजिट भी किया है कि किसी भी थेरेपी के 10 to 20 times ज़्यादा वो चार्ज उनसे लेते हैं। ये वो सोचते हैं कि जिस तरीके का क्लाइंट है उससे वो उतने पैसे लेने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये सेक्टर बड़ा ही अनऑर्गेनाइज है, इसको आपको और हमको मिलकर लोगों को बताना होगा और इसे ऑर्गेनाइज करना होगा, तभी इस नेशन का हित हो सकता है और लोगों को अच्छी सर्विंग मिल सकती है। डॉक्टर कौशल, जब हम फ्रेशर्स होते हैं, डॉक्टर्स जब जैसे ही हमारे कोर्सेज फिनिश होते हैं, तो हम इतने फिनेंशियली साउंड नहीं होते कि हम एक बहुत अच्छा सा सेटअप बनाएं या हम एक मार्केटिंग बजट रख के चलें जहाँ पे हम अवेयरनेस के लिए या माइलेज के लिए हम काम करें। वेयरएज जो सलोन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बैक्ड विद गुड फाइनेंसेस, उनका मार्केटिंग बजट भी होता है और उनको माइलेज बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो ऐसे केसेस में हम डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? पहली बात तो एक मिथ अपने सभी दर्शकों के मन से निकालना चाहता हूँ, सभी फ्रेशर सभी डॉक्टरों को मैं जनरलाइज मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। जो ये सोच भी रहे हैं कि हम उनके पास पैसा नहीं है या किसी तरीके से कोई बस्टिंग प्रॉब्लम है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ये मिथ है। मैं आपसे छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, क्या रिलायंस को शुरू करने से पहले अंबानी के पास बहुत पैसा था? किसी भी बड़े आप किसी भी बड़े बिजनेस को या इवन top 10 बिजनेस को आप सोचकर देखिए, क्या उनको ग्रो करने के पास उनके लिए पैसा था? नहीं। तो ये मन से पहले हमें हटाना पड़ेगा कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और इसी बात का फ़ायदा सैलून्स वाले उठाते हैं, वो लोग चूँकि ऑलरेडी पीछे से फंडिंग होती है, बहुत अच्छे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना के क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये अट्रैक्ट उनके लिए उतना ही घातक बन जाता है। किसी भी डॉक्टर को अगर उसके पास जैसे कि बजट की दिक्कत है, सबसे पहले उसको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, साथ ही साथ में उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि मिनिमम इक्विपमेंट के साथ जो उसको स्किल उसके पास है, स्किल के ऊपर वर्क करना चाहिए, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। उसके पास अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो उस 24 घंटे का उसको वैल्यू करना आना चाहिए, उस टाइम का मैक्सिमम यूज़ कैसे करते हैं। अगर वो ये सीख जाएगा तो शायद उसको अभी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। डॉक्टर कौशल, आप डायरेक्टर हैं बीआर हेल्थ केयर में जी। और एकेडमिकली इतने साउंड होने के बाद भी आप वहाँ पे फाइनेंसिस देखते हैं जी। तो डेफिनेटली आपको बहुत साउंड नॉलेज होगी इस सब्जेक्ट की। तो मैं चाहूँगी मेरे डॉक्टर्स के लिए आप एक टिप दीजिए, क्या ऐसा कर सकते हैं हम डॉक्टर्स फॉर मार्केटिंग, जिसमें हमारे जैसे आपने बताया पैसे की इनिशियली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लो बजट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और एक माइलेज ले सकें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहली बात, बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी स्कॉलर हूँ, सीख रहा हूँ, सीखते सीखते मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया कि डॉक्टरों के अंदर उनको ग्रो ना करने में अगर कोई एक सबसे बड़ा रोड़ा कोई मुझसे पूछेगा तो वो है वो खुद। उनका माइंडसेट ऐसा है, उनके पास जो स्किल्स है वो उसका ब्रांडिंग नहीं कर पाते। आज की दुनिया सोशल मीडिया ब्रांडिंग मार्केटिंग पर बेस ज़्यादा है। आपके पास अगर कोई स्किल है तो आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, लोगों तक मैसेज कन्वे करना होगा। आप उसके लिए किसी बजट की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, अपने काम के वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी एज ए डॉक्टर का माइंडसेट वो क्या सोचता है, मुझे कोई भी काम करना है परफेक्शन के साथ करना है। बट वाकई दोस्तों क्या हो पाता है, क्या कोई भी काम कभी परफेक्शन से हो पाता है? नहीं। हमको कभी भी कोई काम शुरू करना चाहिए, मेरा एक बेसिक सा रूल है जो मेरे मेंटरों ने मुझे सिखाया है, हमें कोई भी काम SSG से शुरू करना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा अपने आप को, SSG, सबसे सस्ता काम करना है, सबसे सिंपल काम करना है और सबसे घटिया काम करना है। हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, सबसे सिंपल काम करना है, सबसे घटिया काम करना है और सबसे सस्ता करना है।
आई थिंक सबसे सस्ता करने में तो कोई पैसे लगेंगे नहीं जी, और सबसे सिंपल करने के लिए कोई बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आता है वो कर दो। तीसरा मैंने बोला घटिया करना है, तो घटिया काम करने में क्या बुरा है, वो तो आप कोई भी काम करोगे वो घटिया ही हो जाएगा। आप कोई भी काम को शुरू कर दो, क्योंकि मेरी फिलॉसफी ये है लेवल वन इज ऑलवेज बेटर देन लेवल नन। कोई काम को ना करने से बेहतर है एटलीस्ट उसको शुरू किया जाए। आपको जो भी आता है आप उसको SSG मॉडल पे उसकी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाओ, उसकी ब्रांडिंग करो, पोस्ट करो, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाओ। लोग कब आपसे जुड़ने लगेंगे आपको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर कौशल, अब तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारी अकेडमीज़ को आपने प्रमोट किया है। मैं समझती हूँ डॉक्टर्स के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, उन्हें ओपन फोरम्स में जाकर प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, क्या सही समझती हूँ मैं? मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं भी सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर के पास जो टैलेंट है अगर वो किसी को प्रेजेंट नहीं करेगा तो ये दुनिया उसको भून कर खा जाएगी। बड़ी छोटी सी स्टोरी, आप कभी भी गूगल पे टाइप करके यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हैं। एक तोता था, इंसान से इंसान की भाषा में बात किया करता था, अरेबिक से अरेबिक में बात करता था, उर्दू से उर्दू में बात करता था। एक दिन जब उसने बात नहीं करी तो उसके पास सराउंडिंग में जो भी लोग थे उसको भून कर खा गए। कारण ये था उस दिन उसका मूड नहीं था। अगर ठीक इसी कहानी को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास कुछ है ना तो उसको प्रेजेंट करो, उसे दुनिया के पटल में आपको लाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लाया ये दुनिया आपको भून कर खा जाएगी। आपके पास कुछ भी टैलेंट है आपको उसको मार्केट में लाकर लोगों तक अवेयरनेस देनी है। आखिर हमें इस नेशन को सर्व करना है, उसको सर्व करने के लिए एक हाथ की नहीं मल्टीपल हाथों की ज़रूरत है। उसके लिए हमें नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, बाहर निकल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाके अपने टैलेंट को दुनिया को बताने की ज़रूरत है। नेशन को सर्व करने की बात आपने बहुत बारी की डॉक्टर कौशल, और एक नेशनलिस्टिक फीलिंग दिखती है आपकी बातों में, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ नेशन भी, हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं लैक कर रही होगी इस प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए। तो मैं चाहूँगी मेरे इस शो के मीडियम से मैं जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं ट्राई करूँगी इसको, इस मैसेज को दूर तक पहुँचाने की, बट मैं चाहूँगी आप यहाँ पर इसको, इस चीज़ को भी एड्रेस करें कि व्हाट शुड द नेशन डू फॉर दिस। आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी, मैंने पिछले कई क्वेश्चंस के अंदर आपने आंसरों में सुना कि मैंने नेशन को सर्व करने की बात कही। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर का पेशा बाकी सारे पेशों से, बाकी सारे प्रोफेशनों से बहुत अलग है। हम जो भी काम करते हैं हमारे उस काम को प्रैक्टिस बोली जाती है, और ये प्रैक्टिस हम किसी के हित के लिए करते हैं। इसलिए मैंने बोला हम नेशन को सर्व करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो लॉ सिस्टम है, काफ़ी लैक करता है इस सेक्टर को। अनऑर्गनाइज रखा हुआ है उसको, गवर्नमेंट को इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कुछ ऐसे एसोसिएशन बनाने चाहिए जहाँ पे इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ रूल्स डिसाइड होने चाहिए कि आप मिनिमम इस स्किल पर आकर इस काम को कर सकते हैं, ताकि लोगों तक एक सही मैसेज पहुँचे कि हु इज़ द राइट पर्सन, हमें किसके पास जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके भटकने के चक्कर में वो कई ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, जो एक गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए जो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करे, ताकि लोगों के साथ ये गलत ना हो, किसी गलत जगह पे जाके वो कोई गलत ट्रीटमेंट ना ले लें जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी भर कहीं गंजेपन से या चेहरे के कोई विकार रोग से जूझना पड़े। थैंक यू डॉक्टर कौशल, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आपने। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं डॉक्टर मीनू को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। लास्ट में एंड के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वाकई सपने देखना चाहते हो तो आंखें खोल कर सपने देखो, सोते हुए सपने तो दुनिया बहुत देखती है। दोस्तों, अगर आप अपने प्रोफेशन को और निखारना चाहते हैं तो इनके नंबर्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर कौशल जैसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपको। और मैं चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस एपिसोड को, इस पर्टिकुलर एपिसोड को जितना वायरल कर सकें आप करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैसेज गवर्नमेंट तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ इन द बेनिफिट ऑफ अस। थैंक यू सो मच।